नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय संतोषी माँ। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है जय संतोषी माँ, संतोषी माँ की कहानी। हरि प्रेमियों, संतोषी माँ की कहानी शुक्रवार की होती है। हरि प्रेमियों, ये कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए संतोषी माँ की शुक्रवार की कथा शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का पूजन व्रत उपवास किया जाता है। इस पूजा के दौरान माँ संतोषी की पूजन आरती करके फिर अंत में माँ की कथा सुनी जाती है। आइए संतोषी माँ की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे थे। छह बेटे कमाने वाले थे जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया अपने छह बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन खिलाती और उनसे जो भी कोई झूठन बचती रहती वह अपने सातवें बेटे को दे देती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठन भी तो आपको ही खिलाती है। वह बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लूं तब तक मैं मान नहीं सकता। छोटी बहू बोली, देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आ गया, घर में सात प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बना दिए गए। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। छहों भाई उसके भोजन करने के लिए आए। माँ ने उनको सुंदर सुंदर आसन बिछाए, तरह तरह की रसोई परोसी और उन्हें प्यार से जिमाया और वह देखता रह गया। छहों बेटों के भोजन करने के उठने के बाद फिर माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन साफ कर उस बुढ़िया माँ ने अपने सातवें बेटे को पुकारा, बेटा उठ, छहों भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह सातवां बेटा कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। जब वह सातवां बेटा परदेश जाने लगा, चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर अपनी पत्नी से बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सो छटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधीमति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है निशानी देने के लिए, यह अंगूठी है सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां पर वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा और कुछ दिनों में इस दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन देन, ग्राहकों का माल बेचना,
सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का अपना हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर इतना दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटियां बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नारेली में उसे पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसे दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? अगर तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में ना होती है वह सब संतोषी माता जी की कृपा से सब पूरी हो जाती है। तब उसने उनसे व्रत की सारी विधि पूछी, नियम पूछे। वह भक्तनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का भी ले लेना या 25 का भी, जैसी तुम्हारी सहूलियत है उसके अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार लेकर कथा सुनना और इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करते रहना। कोई कथा सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या फिर जल का पत्र को या जल का लोटा सामने रखकर कथा को कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, जब तक कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता संतोषी वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन जरूर करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता जी का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल पड़ी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल पड़ी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर माँ संतोषी का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौट पड़ी और दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कीजिए, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ और जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, अब तो रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे या रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो मेरे सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। सुन माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, तेरा सुहाग आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता।
उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माँ माता जी संतोषी माँ ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है और बहू है। माँ क्या कमी है मेरे पास? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे दर्शन के लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, कैसे मैं चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, और देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का बहुत भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की सपने की वह बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया ला कर देने लगे और लेने वाले अपना हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे शोधा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट वह तुरंत घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती हुई देख वह माँ से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के तीन बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता और पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के तीन गट्ठर बनाती है, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करते हैं और यहीं पर भोजन पान बना कर खा पी कर फिर गांव जाएंगे। इस तरह रुक कर भोजन बनाया, विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है, नारियल के खोपड़े में पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा नहीं कहते, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन, भोजन कर। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू यहाँ से गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, हर पहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देख लिया, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा
सारा सामान जमा लेता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल उसने। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने के लिए आ गए और खीर और खाना पेट भर कर खा लिया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माँ संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ और जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या कर दिया, हंसा कर अब भक्तों को क्यों रुलाने लगी हो। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माता जी मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति उसे आता हुआ मिला। वह बोलने लगी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कह कर आई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को फिर से सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा मन मचलता है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के लिए दे दो। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक एक फल उन्हें दक्षिणा में दिया। माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से उसे नौवें मास में उसके घर चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में वह जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। विचार कर माता ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह हम सब को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला कर खिड़कियां बंद करने लगे। बहु रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर पर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली, देखो क्या उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने तो आपका बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो और जो सुने उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो संतोषी
माता की जय। प्रेमियों, आपको ये माँ संतोषी की व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हरी प्रेमियों, जय संतोषी माँ।